मेरा नाम अनमता जहरा है। किस तरह का प्रोटेस्ट किया आपने, क्या किया? जी हमने एजुकेशन के अकॉर्डिंग किया है प्रोटेस्ट। हम चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हमें पढ़ने दें और यूनिवर्सिटीज खोल दी जाए और हमारी आने वाली पीढ़ी को मतलब आगे बढ़ने की आवश्यकता हो, और अगर हमें नहीं मिला अपना हक तो हम छीन के रहेंगे। दैट्स इट। जिस तरह से यूनिवर्सिटी 3 सालों से बंद थी, कितना नुकसान हो रहा है? बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हमारी ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब यूनिवर्सिटी हमेशा के लिए बंद रहे, उसमें कोई लाभ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमें यूनिवर्सिटी खुलवानी है। अगर यूनिवर्सिटी नहीं खुली प्रशासन ने, तो फिर क्या करेंगे आप? हम लोग अपनी जिद पे अड़ जाएंगे और उन्हें खुलवानी पड़ेगी। किन मांगों को लेकर के प्रोटेस्ट मारते? आज लड़कों ने एक डिमांड मार्च निकाला था, और ये है कि वो ये चाह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी जल्द से जल्द खोल दी जाए। हालांकि यूनिवर्सिटी ऑनलाइन मोड में ऑलरेडी खुली हुई है, ऑनलाइन सारे एकेडमिक एक्टिविटीज़ चल रही थी और अभी भी चल रही हैं, अभी ऑफलाइन की बात कर रहे हैं। इस सिलसिले में आपको बता दूं कि वाइस चांसलर साहब ने ऑलरेडी ये कमेटी का गठन कर दिया है, और जिसमें डीन्स हैं, प्रिंसिपल हैं और कुछ यूनिवर्सिटी फंक्शनरीज़ हैं। इस तरीके से 10-12 लोगों की ये कमेटी बना दिया है, और कमेटी जल्द अपनी मीटिंग करेगी। उम्मीद है कि 16 तारीख तक के मीटिंग हो जाएगी, और उस मीटिंग में कमेटी मॉडलिटीज़ तय करेगी कैसे यूनिवर्सिटी को दोबारा ऑफलाइन, ऑनलाइन से ऑफलाइन किया जाए। फेस मैनर में खोला जाएगा, और फेस मैनर में किस फैकल्टीज़ को, किन कोर्सेज के लड़कों को सबसे पहले कहा जाएगा और किन को थोड़ा उसके बाद में किया जाएगा, ये सारी चीज़ें वो कमेटी तय करेगी। वो कमेटी अपना रिकमेंडेशन वाइस चांसलर साहब को दे देगी, और उसी के हिसाब से फिर यूनिवर्सिटी ऑनलाइन से ऑफलाइन मोड में आना शुरू हो जाएगी। नहीं देखिए, जहाँ तक है सारे विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं, तो इसी प्रोसेस में तो ये भी हमारे यहाँ भी खोला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ नहीं खोला जा रहा है। कमेटी का जो गठन हुआ है वो इसी काम के लिए हुआ है कि वो यूनिवर्सिटी कैसे ऑनलाइन से ऑफलाइन, बात खोलने की नहीं है। यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी खुली है, सारी ऑफिसेज खुली हुई हैं, सब कुछ हो रहा है, और कुछ लड़के हमारे यहाँ हॉस्टल में रह भी रहे हैं। तो बस सिर्फ बात है कि ऑनलाइन से ऑफलाइन मोड में कैसे लाया जाएगा, और उसकी मॉडलिटीज़ क्या होंगी, क्योंकि हमारे यहाँ हमारी यूनिवर्सिटी दूसरी यूनिवर्सिटी से बिल्कुल अलग है। दूसरी जगह हॉस्टल्स में लड़कों के रहने की तादाद बहुत कम है, हमारे यहाँ तकरीबन 17-18 हज़ार की तादाद हॉस्टल में एक साथ में रहती है। तो लिहाजा ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं, वाइस चांसलर साहब के सामने हैं, इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये कमेटी का वो कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है, और वो कमेटी अपनी रिकमेंडेशन देगी जल्द से जल्द, और जैसे जो कमेटी रिकमेंडेशन देगी उसी के हिसाब से यूनिवर्सिटी ऑनलाइन से ऑफलाइन मोड में आना शुरू हो जाएगी। देखिए, ये प्रोटेस्ट है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को ओपन कराने का। जिस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बंद थी पिछले 2-2.5 सालों से, और कोरोना काल महामारी जो बीमारी आई थी उसकी वजह से बंद कर दी गई थी, और अलीगढ़ मुस्लिम इंतजामिया इसको खोलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन अब जैसे और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का खुलने का वक्त आ गया है, और बहुत सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ने अपने डेट भी डिक्लेयर कर दिया है, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा भी ये चाहते हैं कि हमारा इंतजामिया डेट डिक्लेयर करें और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को ओपन करने की पूरी तरीके से अपनी भूमिका पूरी निभा दे, और एक डेट हमें इशू कर दे कि इस डेट में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को ओपन कर दिया जाएगा। इसलिए बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, और मैं आपको बता दूं उससे पहले भी एहतजाज हो चुके हैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में रीओपनिंग को लेकर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की। तो जो एहतजाज पहले हुए उन्हीं का असर यह है कि आज इत्तेहाद में सब लोग आए यहाँ। इसमें आज इस एहतजाज में एक ख़ास बात है कि यहाँ ग्रेजुएशन से लेकर रिसर्च स्कॉलर तक सारे स्टूडेंट इसमें मिक्स हैं और इत्तेहाद में अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। कब से बंद पड़ी थी यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी को बंद हुए कम से कम 2-2.5 साल हो गया, जब से कोरोना काल आया जब से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बंद है। अगर यूनिवर्सिटी नहीं खुली जाती तो आगे का स्टेप? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक ही नेचर, एक ही रवैया, एक ही तेवर है कि अगर नहीं मानते कोई बात और हक की लड़ाई हो खास तौर से, तो बच्चे अपनी ज़िद पर अड़ जाते हैं, और जब तक ज़िद उनकी, जब तक उनका हक नहीं मिल जाए, जब तक वो अपना उठने का नाम ले लेते। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं पूरे इत्तेहाद में यहाँ बैठे हुए हैं, उसी तरीके से इत्तेहाद में यहाँ बैठे रहेंगे, और यूनिटी जो बरकरार है इनके बीच में वो यूनिटी हमेशा नज़र आएगी आपको। और जब तक इनको हक नहीं मिल जाता, जब तक इंतजामिया इनसे आके बात न कर दे या इंतजामिया इनको एक डेट डिक्लेयर न कर दे, जब तक उठने वाले नहीं है। क्योंकि क्या करें? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ खान है, मैं मास्टर्स का स्टूडेंट हूँ।